अपनी तिरुपति बालाजी का मंदिर, यार क्या बोलूँ, पहली बार जहाँ पे आया हूँ तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। एंड गिर गया तो मुश्किल हो जाएगा भाई, गिर गया तो इधर कुचल देंगे जी, जैसे इतनी गाड़ी चला रहे हैं भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो सभी, होगा तो सब बढ़िया होंगे। सो आज एक्चुअली आज़ादी का दिन है, इंडिपेंडेंस डे है, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। एंड सॉरी जी, वीडियो कल ही डलेगी 16 को, क्योंकि आज़ादी का दिन, आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कल एडिट करके कल डाल दूंगा। सो आज मैं जाने वाला हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पर, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दे, तो चलते हैं सीधा अभी वहीं पर, ठीक है। सो गाइस, सभी आप लोग देख सकते हो इधर एक्चुअली जम्मू से सिद्रा वाले रोड पर, ओ माय गॉड, कई आगे तक देखिए कितना ज़्यादा क्राउड है, हैवी ट्रैफिक, हैवी क्राउड। ये एक्चुअली रैली निकाल रहे हैं 15 अगस्त की, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, चेक करो गाइस, ओ माय गॉड, आज इंडिपेंडेंस डे इतना खतरनाक तरीके से, ओ माय गॉड, दैट इज ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। वो तेरी गिर गया यार एक लड़का यहाँ पे, यार क्या कर दिया। गाइस यहाँ पे लड़का गिर गया यार, मैंने इनको बोला भी था कि थोड़ा ध्यान से चलो, थोड़ा आराम से चलो यार, इतनी स्पीड से तो सभी जा रहे हैं, और यू नो जिनके पास तो गाड़ी है वो तो थोड़ा फिर भी सेफली है, लेकिन जिनके पास गाड़ी नहीं है, जो बाइक पे है, उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। इसलिए मैं इनको बोल भी रहा हूँ कि थोड़ा धीरे गाड़ी चलाओ, लेकिन ये मान नहीं रहे, पता नहीं ऐसा क्या कर रहे हैं ये। एक्चुअली गाइस आप लोगों को पता भी है, इधर सिद्रा वाले रोड पे वैसे भी स्टंट बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो आज यू कैन सी यहाँ पे देख भी सकते हो, और काफ़ी सारे ब्लॉगर भी जहाँ पे आए हुए हैं, राइडर वगैरह। तो काफ़ी लंबी रैली आगे तक है, मैंने सोचा थोड़ी देर होगी पीछे, लेकिन आगे काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो इसलिए अभी चलते जाते और आगे तिरुपति बालाजी का मंदिर भी आएगा, वहाँ पे भी आज माथा टेकने के लिए जाना है। आज जैसे भी ट्यूजडे है, 15 अगस्त है, सो दैट्स वाई पहले वहाँ पे भी माथा टेकेंगे। रैली में तो हम लोग ऑलरेडी जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक बार फिर से आप लोगों को दिखाता है, ये देखिए गाड़ी चला रहे हैं, बेशक ये ऐसे डोर में बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत ही स्लोली गाड़ी चला रहे हैं ना, तो दिस इज वेरी गुड। हाँ पर पता नहीं चल रहा कहाँ से गाड़ी आ रही है, दोनों साइड से गाड़ी आ रही है, मुझे खुद डर लग रहा है, हो ना जाए कुछ मेरे साथ हादसा, क्योंकि मैंने एक हाथ में अपने मोबाइल भी पकड़ा हुआ है। चलाओ थोड़ी, वो मारने लगा था ये तो मुझे, मैंने सोचा पता नहीं अभी क्या होगा, कल्याण हो जाता मेरा इधर ही। भाई कैसी गाड़ी चला रहे हो यार, भाई थोड़ा ध्यान भी रखो अपने दोस्त लोगों का जो आपके साथ आए हुए हैं, देखना ऐसे हादसा ना हो जाए, आगे पीछे बेचारे को थोड़ी चोट लगी है, वो थोड़ी गिर गया ना, दैट्स व्हाई। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, यू कैन सी यहाँ पे देखिए, ओ तेरी ब्यूटीफुल व्यू है यार। यहाँ पे मैं चाहता एक और बंदा मेरे साथ होना चाहिए था, जिसके हाथ में थोड़ा मोबाइल वगैरह होता, ऐसे क्या है कि मेरे हाथ में मोबाइल है, मेरे हाथ में ये एक्सीलेटर भी देना पड़ रहा बाइक का, तो इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। वो तेरी पता नहीं कौन सी साइड देखो, पता नहीं चल रहा यार, इधर देखो उधर देखो, चारों साइडों से गाड़ी आ रही है, दिस इज़ यार अभी बहुत ही खतरनाक व्यू है यहाँ का, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो एक्चुअली इधर माथा टेकने के लिए आया था तिरुपति बालाजी के मंदिर में, और जहाँ पे देखा इतना ज़्यादा हैवी क्राउड, तो मैंने सोचा क्यों ना इस क्राउड में शामिल हुआ जाए, और ये देखिए आगे देखिए, और जहाँ पे मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर के लिए खड़े होंगे या नहीं, पक्का पता नहीं है। जय श्री राम बोलते जाओ और चलते जाओ, देखो आगे पटाखों की बरसात होती हुई, बुलेट के पटाखों की, वाह 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 वाह, वो देखिए आगे से स्टार्ट हो रही है। अभी अच्छा हुआ कि मैंने भी फ्लैग वगैरह लगा ली है यहाँ पे बाइक पे, थोड़ा लग रहा है कि मैं भी रैली में शामिल हूँ, अदरवाइज जिन्होंने बाइक्स वगैरह नहीं लगाई उनके लिए थोड़ी दिक्कत है ना यार। देखिए भाई जिन्हें ब्लॉगिंग कर रहे हैं साथ में, बहुत ही खतरनाक तरीके का यार, देखिए गाइस देखिए, ओ तेरी, मुझे तो पहली बार इतनी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक देखी है मैंने, इतना ज़्यादा क्या बोलूँ यार, सुपर है आज का नज़ारा, बहुत ही खतरनाक होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू होने वाला आज का, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा। तो अब रवि सिद्रा वाले रोड पे हम लोग पहुँच चुके हैं, पहुँचे तो पहले से आया क्योंकि स्टार्टिंग भी वहीं से हुई थी है ना, तो अभी जहाँ से अभी आप लोग देख सकते हो, अभी पता नहीं आगे जाएंगे कहाँ पे, देखना उधर कटरा में ना लेके चले जाए मुझे। चेक करो गाइस,
आज का नजारा इंडिपेंडेंस डे वाले दिन जम्मू में आप लोग देख सकते हो क्या ब्यूटीफुल व्यू है। यहाँ पे इतने सारे लड़के, इतनी सारी गाड़ियाँ, इतने सारे झंडे, इंडिया के फ्लैग, भारत माता की जैसा भी बोलते हुए जा रहे हैं और हम भी बोल रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू और बहुत ही ब्यूटीफुल नजारा है यहाँ पे गाइस। वो देखिए इतनी सारी बाइक एक साथ, वाह यार। अभी अभी क्या हो गया यहाँ पे, अभी फिर से कोई लफड़ा हो गया क्या? गिर तो नहीं गया ना कोई? गिर गया तो मुश्किल हो जाएगा भाई, गिर गया तो इधर कुचल देंगे ये जैसे गाड़ी चला रहे हैं भाई। इनके साथ अगर जाना तो थोड़ा ध्यान से जाना, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मेरे ख्याल से ऐसे 10 किलोमीटर कांटी में मैंने एक ही हाथ से बाइक चलाई है, खाली एक्सीलेटर दबा के रखा हुआ है, गियर इसका अप एंड डाउन को पता नहीं कैसे हो रहा, उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो गाइस आज एक्चुअली मुझे जो वीडियो है ना वो वीडियो ऐसे ही बनानी पड़ेगी, आई मीन ऐसे फ़ोन को सीधा करके। ये देखिए अभी रैली, पीछे भी काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं और इस साइड आप लोग देख सकते हैं ये तिरुपति बालाजी का मंदिर है, वो सामने हनुमान जी का फोटो भी लगा हुआ और साथ में तिरुपति जी भगवान का, ठीक है। तो अभी जहाँ पे सीधा मंदिर में चलते हैं, पहले माथा टेक टेक के जिसके लिए मैं आया था। बाकी रैली तो ऐसे हम लोग शामिल हो गए, अभी आगे से टर्न लेते हैं जहाँ पे यू टर्न बना हुआ है। हाँ बिल्कुल पास में ही आगे 10-15 मीटर आगे यू टर्न है, तो सीधा उधर चल के सीधा अंदर चलते हैं, ठीक है। तो ठीक है फिर, ओके। ये बोर्ड भी लगा हुआ है तिरुपति बालाजी मंदिर जम्मू, ठीक है, और जहाँ से लेफ्ट को टर्न ले लिया हम लोगों ने और अभी सीधा चलते हैं। ये देखिए सामने उन्होंने जो गेट बना के रखा हुआ है ना सीमेंट का, कितना प्यारा, इधर तिरुपति जी का फोटो और इधर हमारे हनुमान जी का फोटो लगा हुआ है, ठीक है, जो दो दो पिलर है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। यही है अपना गेट, अभी इसके अंदर हम लोगों ने एंट्री कर लिया है, अभी सीधा चलते हैं तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो कि जम्मू में बना है पहली बार। इससे पहले सबसे बड़ा जो तिरुपति बालाजी मंदिर है ना वो आप सभी लोगों को पता है कि वो साउथ में है, आंध्र प्रदेश में, और इतना बड़ा मंदिर है, इतना बड़ा मंदिर है, इतनी ज़्यादा जगह ना, वो वहाँ पे भी किसी दिन जाएंगे अगर बाबा जी ने हमें बुलाया तो, अदरवाइज़ देखा जाएगा। यहाँ से ब्यूटीफुल व्यू है पीछे से आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को पूरी तरह से बताया कि जम्मू का व्यू भी काफ़ी अच्छा दिखता है और देख सकते हो यहाँ से, ये देख सकते हो आप लोग पूरा अपना जम्मू देख सकते हो, जम्मू सिटी कितनी प्यारी लग रही है जहाँ से, मतलब चकास है यार, मस्त है, यहाँ से व्यू काफ़ी मस्त है। अपनी तिरुपति बालाजी का मंदिर यार क्या बोलूँ, पहली बार जहाँ पे आया हूँ तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। एंड अभी देखते हैं अंदर चल के माथा वगैरह टेकेंगे और भी बहुत कुछ, तो काफ़ी अच्छी शेप है ये। एक्चुअली ऐसे मंदिर पहले मैं फिल्मों में देखता था क्योंकि अपने जम्मू में ऐसा था नहीं, तो इसीलिए आज जहाँ पे रियलिटी में देखने के लिए आया हूँ। सो सीधा चलते हैं अंदर, ओके। तो ये देखिए गाइस अभी जहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, अभी सीढ़ियों से सीधा अंदर चलेंगे, आपको दिखाएंगे, ठीक है। का डोर देखिए कितना बड़ा डोर है गाइस, ब्यूटीफुल है यार, यहाँ पे डोर देखिए इसका कितना बड़ा दरवाज़ा है इसका, और सीसीटीवी कैमरा भी बहुत ही अच्छे तरीके से लगा, और ऊपर जो मूर्तियाँ कितनी प्यारी हैं यार, पूरा अभी इसके पूरा घूम के आपको बताएंगे, इतना मज़ा लगेगा, ठीक है ना। देख सकते हो आप लोग ये गणपति जी का, और जहाँ से अभी पूरा राउंड लगाएंगे एक, ये देखिए जहाँ पे फ़ोटो भी लगा के रखे हुए हैं उन्होंने, बहुत ही ब्यूटीफुल है यार। अभी इधर एक्चुअली ये देखिए ये लाइटिंग के नीचे जो पोल लगे हुए हैं इनकी डिज़ाइनिंग आप लोग देख सकते हो, ये जैसे अभी तिलक लगाते हैं ना अपने माथे पर, बिल्कुल उसी की तरह इन्होंने ऊपर से वो देखिए बना के रखा हुआ है, बीच में रेड और आसपास में पूरा वाइट, गाइस ब्यूटीफुल है यार जहाँ पे। मैं एक्चुअली पहली बार आया हूँ तो इसलिए, ये देखिए ये आप लोग देख सकते हो इनका पूरा, इनके बारे में बताया भी हुआ है, जो भी इनकी जो भी होता है ना तो उसके बारे में पूरा बताया है, तिरुपति बालाजी के बारे में पूरा बताया है, उनके अकॉर्डिंग ये जहाँ पे ये पेंटिंग बना के रखी हो, साथ में नीचे लिखा भी हुआ है, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, तो इसीलिए। बाकी ये डोर देखिए, डोर भी कितना मतलब अच्छे तरीके की, और ये लाइटिंग बहुत ही अच्छी लगी, जहाँ पे डिज़ाइनिंग है ना जो वो बहुत ही अच्छी है, ये देखिए पूरा इन्होंने लिखा है, और ये तिरुपति बालाजी है, ये आप लोग देख सकते हो उनकी फ़ोटो, अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ मेरी वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो जहाँ पे देखिए भोलेनाथ जी हैं, विष्णु जी हैं, और मतलब जहाँ पर अगर आप लोग आओगे तो आपको पूरा पता चलेगा, ठीक है। तो अभी पूरा घूमता हूँ, मैं अकेले घूम रहा हूँ, बाकी तो कोई आ नहीं रहा पीछे, आप लोग देख सकते हो, मैंने सोचा काफ़ी सारे लोग आएंगे लेकिन
जहाँ पे तो आ नहीं रहा कोई भी। बाकी इनके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हो पेंटिंग, तो मैंने आप लोगों को बताया कि इनकी फ़ोटो लगे हुए हैं, फ़ोटो में इनके बारे में पूरा बताया हुआ है कि इनके अवार्ड उसी अकॉर्डिंग फ़ोटो लगे हुए हैं जिस अकॉर्डिंग उन्होंने नीचे लिखा हुआ है। तो अंदर मेरे ख्याल से जो अंदर है ना जो पंडित, वो भी साउथ के हैं, मुझे तो बिल्कुल साउथ के लोग लग रहे थे जो। तो ये देखिए कितना प्यारा, मतलब जहाँ पे उन्होंने मूर्ति लगा के रखी हुई है, लाइटिंग मेरे ख्याल से अगर रात को जहाँ पर आओ तो इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ और इतनी अच्छी अच्छी लाइटिंग जहाँ पे देखने को मिलेगी कि ऐसे दिन होगा बिल्कुल दिन। और ये देखिए सोना ही सोना, जहाँ पे गोल्ड, इट्स अ गोल्ड। और पीछे जो मंदिर है बिल्कुल ऐसे गोल्डन कलर का, यार गोल्डन का था यार, गोल्ड का तो नहीं है ना ये, कितना प्यारा यार, बिल्कुल ऐसे सुपर गोल्ड लग रहा है, 24 कैरेट जिसे बोलते हैं। और ये आप लोग देख सकते हो ये इन्होंने गेट जो बनाया इसके अंदर से जलते हैं पूरा, बहुत ही ब्यूटीफुल है यार, बहुत ही अच्छा है। और नीचे पार्किंग बाइक वगैरह वहाँ पे लगाई थी, गाड़ियों के लिए उधर पार्किंग है। और फिर से मैं घूम के वापस आ गया हूँ, आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। और जहाँ पे ठंडी ठंडी हवा, लोग पूछ रहे हैं कि जहाँ पे इतनी तेज़ी तेज़ी से हवा क्यों जा रही है, एक्चुअली ये थोड़ा ऊँचा है ना तो इसीलिए बहुत ही अच्छी हवा आ रही है, ठीक है। बाकी आप लोग नीचे का व्यू भी देख सकते हो, है ना। और तेरी अभी धूप है बहुत, लेकिन हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी, क्योंकि रात को बारिश भी हुई थी जम्मू में गया, अभी तो ऑलमोस्ट सभी जगह पे बारिश हो रही है क्योंकि जो ना बरसात का मौसम है, अभी से ही बरसात का मौसम अभी हुआ है। और साथ में आज वैसे भी क्या बोलते हैं उसे, इंडिपेंडेंस डे है, तो इंडिपेंडेंस डे के साथ साथ होने वाला, मैं तो एक्चुअली सीधा मंदिर में आ रहा था जहाँ पे तिरुपति बालाजी के मंदिर में माथा टेकने के लिए। और जैसे रास्ते से निकला आप लोगों को पूरी रैली दिखाई, कितने सारे लोग थे गाइस, देखने लायक जगह थी वो, देखने लायक ऐसा क्राउड था। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है यार, मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं साउथ में आ गए हैं, बिल्कुल इस मंदिर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि साउथ, बिल्कुल साउथ वाला मंदिर है ये। देखा गया आज आपने, मतलब मैं पहली बार ऐसे उधर गया था, मंदिर में भी पहली बार गया था, और रात में जो आप लोगों ने क्या बोलते हैं वो देखा ना, चित्रावली साइड आप लोगों को वैसे भी पता वहाँ पर स्टंटबाजी तो बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही, मतलब कल तो रैली निकाल रहे थे ना, रैली के चक्कर में, रैली के पीछे पीछे सभी बाइक लेके चले गए, बहुत ही ज़्यादा लोग वहाँ पे आए थे। आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा मंदिर को, तो देखा उसके बाद जो जाते समय मुझे रैली वाले मिल गए वो मतलब देख नहीं रहे थे, इधर से गाड़ी आ रही थी, इधर से गाड़ी आ रही थी, मुझे खुद लग रहा था कि मैं भी आज गया। सो अच्छा हुआ कि बाबा जी ने बचा लिया। सो ठीक है फिर वीडियो अच्छी लगी है सो लाइक शेयर कमेंट करना ना बोले, और ऐसी न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट बढ़िया।